एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 18 हमें दिया है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। एज शोन इन फिगर 5.4, what is the length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? हमें यहाँ पे बोला है कि पाई हमें क्या लेनी है, 2/7। यहाँ पे देखो, आप पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें फिगर दिया है, इसमें हमें क्या बोला है कि हमारा जो हमें यहाँ पे सेमी सर्कल्स की बताया, देखो एक सर्कल सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल और चौथा सेमी सर्कल। तो इसमें हमें सेमी सर्कल्स दिए हैं और हमें बोला है कि जो हमारा जो फर्स्ट सेमी सर्कल है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी रेडियाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस। तो ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर। जो हमारा दूसरा रेडियस, दूसरा सेमी सर्कल है, ये वाला दूसरा सेमी सर्कल है हमारा, इसकी रेडियस कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर। जो हमारा तीसरा सेमी सर्कल है, यानी कि ये वाला, ये देखो यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा चौथा सेमी सर्कल है, ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2.0 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ये रेडियस सेमी सर्कल क्या है, आगे बढ़ते रहते हैं, कहाँ तक, मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी कि टोटल कितने हैं, 13। तो एन गिवन है, यहाँ लिख लेंगे एन इज इक्वल टू 13, जो जो गिवन है उसे लिखते चलेंगे। तो देखो, अब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और 13 तक हमें पता लगाना है कि टोटल लेंथ क्या होगी सेमी सर्कल की। तो A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे देखो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल मतलब आधा हो गया, तो 2πr का हम क्या करेंगे, हाफ। तो 2πr है, इसका करना है हमें हाफ। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, πr। ठीक है, तो यहाँ पे हम A1 देखेंगे πr, यहाँ लिखेंगे हम पाई, और रेडियस कितना है, 0.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब कैंसिल करेंगे, 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ पे क्या है, A1 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, क्योंकि पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 into 2 2। तो A1 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू क्या होगी, फिर से पाई इंटू आर करेंगे, पाई आर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर। तो देखो पाई क्या है, पाई तो पाई रहेगी, इंटू आर क्या हो गया हमारा, आर है 1.0 का मतलब 1। तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, A2 हो गया हमारा 1, मतलब पाई, पाई इंटू 1 पाई। तो A1 हो गया पाई बाय 2, A2 हो गया पाई बाय, A2 हो गया पाई, A3 निकालेंगे, A3 हो जाएगा पाई इंटू आर। देखो A3 का रेडियस क्या है, ये हमारी थर्ड सर्कल है, तो इसका रेडियस है 1.5, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और 3। तो पाई इंटू 3 क्या होगा, पाई इंटू 3 होगा, A3 हो जाएगा 3π, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 into 1 2। ठीक है, तो A3 आ गया हमारा 3π/2। A4 निकालेंगे, अब A4 हो जाएगा पाई इंटू आर। देखो A4 यानी कि हमारा जो L4 है, यानी कि ये जो वाला जो सर्कल है फोर्थ वाला, इसका रेडियस क्या है, 2.0 का मतलब 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 2π। तो अब हमने यहाँ पर निकाल ली वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल सम बताना है। What is total length of such spiral of 13 consecutive? तो n हमने 13 ले लिया, अब हमें बताना है टोटल लेंथ, यानी कि सम। तो यहाँ हम लिख लेंगे सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारा सम का फॉर्मूला है, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 13। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे S13 इज इक्वल टू 13 बाय 2 टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पाई बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस 13 माइनस 1। अब डी क्या होगा, डी होगा ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ लिखेंगे
d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन. ए टू क्या है, ए टू है पाई, तो यानी लिखेंगे d इज इक्वल टू पाई माइनस ए वन है पाई बाय टू, तो लिखेंगे पाई बाय टू. दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा टू, तो यहाँ आ जाएगा टू. टू को वन से डिवाइड किया टू, टू इंटू पाई टू पाई, तो यहाँ लिखेंगे टू पाई. माइनस टू को टू से डिवाइड किया वन, वन इंटू पाई पाई, तो यहाँ पे आ गया d इज इक्वल टू टू पाई इंटू टू पाई में से पाई माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा पाई बाय टू. तो यहाँ पे हमें d मिल गया, तो यहाँ लिख लेंगे पाई बाय टू. ये हमने यहाँ पे लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं. एस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन बाय टू. अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन पाई बाय टू, तो देखो टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस थर्टीन माइनस वन क्या होगा ट्वेल्व, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन पाई बाय टू, ये भी कैंसिल हो रहा है, टू वन से टू टू सिक्स. अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, देखो नेक्स्ट पेज पे. तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख लेंगे एस थर्टीन इज इक्वल टू, हमारा क्या था बाहर का थर्टीन बाय टू, अंदर क्या बचा था टू से टू कैंसिल हो गया तो पाई, प्लस यहाँ पे आ जाएगा सिक्स पाई. ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे देखो अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया तो बचा पाई, प्लस यहाँ पे सिक्स आंसर आ गया तो सिक्स इंटू पाई क्या होगा सिक्स पाई, और यहाँ पे थर्टीन बाय टू बाहर फाई. तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये सब. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन, पाई की वैल्यू क्या होती है, पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ आ जाएगा थर्टीन बाय टू और सेवन पाई, सिक्स पाई प्लस वन पाई क्या हो जाएगा सेवन पाई. यहाँ आ जाएगा एस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन बाय टू मल्टीप्लाई सेवन, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू बाय सेवन, ये कैंसिल हो रहा है, सेवन वन जो सेवन, सेवन वन जो सेवन, टू वन जो टू, टू इलेवन जो ट्वेंटी टू. तो एस थर्टीन की वैल्यू क्या आई, एस थर्टीन की वैल्यू गई 143, यानी कि 13 सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी 143 सेंटीमीटर. इसी के साथ हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.